साहस, शौर्य और पराक्रम का केसरिया रंग, शांति सौहार्द अमन का श्वेत वर्ण, उर्वरता पवित्रता समृद्धि की हरित द्युति, ये तीनों जैसे ही एक साथ आते हैं हर भारतीय के मन में एक जल तरंग सी बज उठती है। फिर चाहे वो भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, भारत ने तो सदा से सारे संसार को अपना परिवार माना है। तभी तो हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम विश्व की विभिन्न पुरातन संस्कृतियों के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौए जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर एक देश होता क्या है? क्या केवल एक भूखंड, जमीन का एक टुकड़ा, या उस देश में बसे लोग, उनकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उनके मूल्य और विश्वास? अगर हम भारत के मूल तत्व को खोजें तो मिलता है सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द, साहस और सत्याग्रह। तभी तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो वो हैं हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी, जिनके बारे में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली नस्लें इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि महात्मा गांधी जैसा कोई हाड़ मांस का मानव सचमुच कभी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई लड़ी तो देश के कोने कोने में आजादी के अनगिनत दीवानों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी का अलख जगाया और संघर्ष को लगातार धार दी। सभी वीर वीरांगनाओं के साहस, त्याग और बलिदान से जिस स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ था, उस भारत गणराज्य की रक्षा करना और भी बड़ी और नित नई चुनौती होती है, और ये काम हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं के जवानों ने खूब किया है और बखूब किया है। इस काम में उन्होंने हजारों कुर्बानियां भी दी हैं। उन्हीं बलिदानों को नमन करने के लिए चिरऋणी राष्ट्र ने बनाया है राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां आजादी से अब तक शहीद हुए हर जवान का नाम प्रस्तर पर उकेरा गया है। बीच में स्थित है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र व रक्षक चक्र नाम के चार चक्र। सीमाओं पर सुरक्षा के साथ ही आज भारत का सामर्थ्य हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है। आज कोटि कोटि भारतवासी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। अब वैक्सीन से वायुयान तक, दमदार रॉकेटों से युद्ध पोतों तक, खेती से उद्यम तक, शिक्षा से कारोबार तक, हमारे वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, नवाचारकर्ता अपनी असीम क्षमता के उपयोग से देश में नित नए समाधान देकर लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। आज हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के 75 साल पूरे कर चुका है और अपने अमृत वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए एक अनुष्ठान का मुहूर्त है। 75 वर्षों में सारी कठिनाइयों के बावजूद जो दूरियां हमने नापी हैं,
जो ऊंचाइयां हमने छुई हैं, आज उनका उल्लासपूर्ण उत्सव भी हमें मनाना है और आकल्प भी हमें उठाना है। इस अनूठे अनोखे अनमोल अनंत सफर में अगर कोई हमारा सहारा है, हमारा ध्रुव तारा है, हमारा कुतुबनुमा, हमारा प्रकाश स्तंभ, हमारा आलोकित आकाश दीप है, तो वो है हमारा तिरंगा, जिसके तीन रंग सदा हमें प्रोत्साहित करते, अनेकता में एकता का सबक सिखाते और देश प्रेम में सदा तत्पर सदा आगे रहने का मार्ग दिखाते हैं। आज आइए हम सब मिलकर फिर से अपने राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करें और शपथ लें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की। वंदन करें हम सब अपनी भारत माँ का और एक समवेत स्वर में कहें, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे